अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिफत और आप देख रहे हैं रिफत्स आसान पकवान। आप सब हैं मेरे मेहमान जी। गर्मियों की आमन आमन है और स्ट्रॉबेरीज भी हर तरफ आपको नज़र आएंगी। तो मैंने आज जो डिश आपके सामने तैयार करनी है वो स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड है। स्ट्रॉबेरीज को डिफरेंट तरीके से हम कैसे खा सकते हैं, तो चलिए जी मैं अपनी डिश को स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पर डबल बॉयलर करने के लिए दो देगचियों में गर्म पानी डाला है, उसके ऊपर शीशे के बॉल रखे हैं और आपके सामने इनमें मैं चॉकलेट को पोर करूँगी। मैं दिखाती हूँ, मैंने ये वाइट चॉकलेट चिप लिए हैं 2 कप और समय स्वीट डार्क चॉकलेट, उसके मैंने 2 कप ये लिए हैं चॉकलेट चिप। तो इनको मैं थोड़े से बचाऊँगी मैं पाइपिंग कोन में डालने के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए। बाकी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैं आपके सामने ये शीशे के बॉल में डाल रही हूँ। थोड़े से बचा लूंगी स्ट्रॉबेरीज को सीजल करने के लिए, ये भी बचा लिए। अब ये डार्क चॉकलेट है, समय स्वीट ये भी जा रही है, बिस्मिल्लाह। और थोड़ी सी बचा लूंगी पाइपिंग कोन में डालने के लिए, वो कैसे तैयार करेंगे आपके सामने तैयार होगा। और मैं इनको अपने चूल्हे को हाई करूंगी और आपके सामने मैं इनको, बस कोशिश ये करनी है कि जो पानी बॉइलिंग उस पर आ जाए तो आपकी चॉकलेट को टच ना करे। अगर पानी का टच करेगा तो आपकी चॉकलेट ख़राब हो जाएगी। तो ये मेल्ट होना शुरू हो गई है क्योंकि मेरा पानी पहले ही बॉयल कर रहा था। मैंने पहले पानी इसलिए बॉयल कर लिया कि मेरी जो रेसिपी है वो थोड़ा टाइम ले, और आपका हर के पास टाइम बहुत कीमती है और बहुत से काम करने होते हैं, तो वाई नॉट थोड़े टाइम में रेसिपी को तैयार किया जाए। ये वाइट चॉकलेट चिप हैं, ये आप देख रहे होंगे ये मेल्ट हो रहे हैं और इनको 2 से 3 मिनट और लगेंगे ये मेल्ट हो जाएंगे। फिर हम कैसे स्ट्रॉबेरीज में डिप करेंगे, उनको किस चीज़ से कोट करेंगे, सुनने में लग रहा है कैसे बहुत मुश्किल रेसिपी होगी, लेकिन वेरी इजी, क्विक एंड आसान। ये देखिए जी मेरा चॉकलेट जो है बहुत अच्छी मेल्ट हो गई है, इसमें आपको कोई चॉकलेट चिप का कोई दाना नज़र नहीं आ रहा, बहुत स्मूथ आपके सामने या बिल्कुल स्ट्रॉबेरीज डिप करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। ये वाइट चॉकलेट और ये मेरी डार्क चॉकलेट, ये देख लें बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, मैंने जो चॉकलेट चिप थोड़े बचाए थे वो मैं अपनी कोन्स में पोर करूँगी। मेरे पास ये कोन्स हैं, अगर आपके पास घर में नहीं है आप जिप लॉक ले सकते हैं, अगर जिप लॉक भी नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक का छोटा बैग लेके उसमें ये आप चॉकलेट चिप ऐसे डालेंगे, नीचे जाएगी और इसको ऊपर से रबर बैंड या धागा किसी भी चीज़ से आप इसको टाइप कर लेंगे। मैं आपके सामने कर रही हूँ, मैंने यहाँ इसमें गर्म पानी डाल लिया है 2 कप। अब मैं इनको इसमें रख दूंगी जब तक मैं स्ट्रॉबेरीज डिप कर रही हूँ। जनाब साहब ये मैं टाई अप कर दिया, अच्छा सा टाई अप करना है, ऊपर से आप इसको बांध भी सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी है, लेकिन ये टाई अप हो गया। इसको मैं इसमें बिस्मिल्लाह से डिप कर दूंगी और ये डार्क चॉकलेट्स इसको मैं इसमें डालूंगी कोन में, सेम मेथड इस नीचे करके, और मैं इसको ये रबर बैंड से टाई अप कर दूंगी। तो टाइटली करना है, कपड़े रिबन से काट लें, धागे से काट लें, लेकिन टाइटली ये ऐसे जो है बंद होना चाहिए। तो मेल्ट होने के बाद जब मैं इसको प्रेस करूंगी तो बाहर आने के चांसेस होते हैं। तो जब आपने मेल्ट करना है गर्म पानी में, ये है कि ये ऊपर से पानी जो है अंदर नहीं जाना चाहिए कोन के, टॉप में हमेशा बाहर आने चाहिए। कोई ऐसा बर्तन लेना है कि जिसमें जो चॉकलेट वाला हिस्सा है बस वो डिप हो, पानी अंदर नहीं जाए, इसलिए मैंने छोटा जग लिया है। ये देखिए मेरी दोनों कोन गर्म पानी में जा चुकी हैं और अब मैं स्ट्रॉबेरीज को डिप करना शुरू करने लगी हूँ। थोड़ा सा पेपर टावल चाहिए होगा स्ट्रॉबेरीज ड्राई करने के लिए, मेक श्योर कि आपकी स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो ड्राई होनी चाहिए। अभी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं एक स्ट्रॉबेरी लूँगी ऐसे,
इसको ड्राई करूंगी पेपर के टॉवल के साथ, और एक स्टिक, आपके पास जो भी स्टिक है, शाशी स्टिक या प्लास्टिक की कोई भी घर में है, उसको ऐसे पीछे से हम इसमें ऐसे डालेंगे। लीव्स को मैं हाथ में पकड़ूंगी और मैं बिस्मिल्लाह स्ट्रॉबेरी को इसको ऐसे फेरते हुए इसमें डिप करूंगी। ये एक स्ट्रॉबेरी तैयार हो गई। अब मैंने यहाँ पर बटर पेपर या कोई भी वैक्स शीट आप लगा लें ट्रे में, क्योंकि ये जब सब तैयार हो जाएंगी तो ये फ्रीजर में जाएंगी 5 मिनट के लिए। और अब मैं एक और स्ट्रॉबेरी ले रही हूँ, इसको मैं ड्राई कर रही हूँ, ऐसे स्टिक पे चढ़ा रही हूँ, और मैं चॉकलेट में इसको कोट करूँगी। ये लीव्स मेक श्योर कि आपके हाथ में होने चाहिए, और ये इसको ऐसे रोल करते करते मैंने इसमें चॉकलेट लगा दी है। ये और मेरे पास डिफरेंट तरह की ऊपर इसको शो करने के लिए, कोट करने के लिए मेरे पास कोकोनट फ्लेक्स हैं ब्रश हुए छोटे छोटे, और ये बादाम हैं जो मैंने बहुत छोटे चॉप कर लिए हैं। ये कलरफुल स्प्रिंकल हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं बिकॉज ऑफ कलर, और उनके केक्स भी होते हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर आपके सामने थोड़ा स्प्रिंकल करूँगी, गर्म गर्म चॉकलेट के ऊपर ही आपने स्प्रिंकल कर देने हैं ऐसे, और इसको इस हाथ की मदद से ऐसे पुश करते हुए ट्रे में रख देना है ऐसे। और मैं एक और स्ट्रॉबेरी लूंगी, इसको ऐसे डिप करूंगी। फिर कुछ हम डार्क चॉकलेट से करेंगे, कुछ हम वाइट चॉकलेट से करेंगे। तो ये मेरी स्ट्रॉबेरी मैंने रोल रोल कर ली, और इसके ऊपर मैं कोकोनट जो फ्लेक्स हैं, श्रेडेड कोकोनट कह सकते हैं या छोटे छोटे हैं, इसको मैं इसको ऐसे रोल करते हुए ये इसके ऊपर लगा दूंगी और इसको अपनी ट्रे पे ऐसे उतार दूंगी। अब मैं एक और स्ट्रॉबेरी लेती हूँ, सेम मेथड, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये बादाम। इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हल्का से इसको दबाना नहीं है, ढीले हाथ से ऐसे कोट करना है, और इनको इसको इधर रख देना है। अगर आपको नट्स पसंद है नट्स लगा लें, बगैर नट्स के मैं इसको एक जो मैं कौन से तैयार कर रही हूँ उसमें इसको स्विजल करूँगी, तो उसमें आप नट्स के बगैर भी बहुत इसकी खूबसूरती भी आएगी और टेस्ट भी लाजवाब होगा। ये जी नट्स के साथ ज़रा खूबसूरत लगती है। आपने किसी को गिफ्ट करना है, ईद पे तैयार करनी है, कोई स्पेशल ओकेजन है, बच्चों की बर्थडे है, इस तरह सब बनाएं। जो बच्चा स्ट्रॉबेरी नहीं भी खाता वो भी खाएगा। अब ये मैं इसके ऊपर लगाने जा रही हूँ, ये भी लगे हैं ठीक है। इसको मैं स्विजल करूँगी, एक प्लेन रहने दूंगी। अब मैं वाइट चॉकलेट वाली स्ट्रॉबेरी जो है वो तैयार करती हूँ। ये मेल्ट थी, ये देखिए मैं इसको एक दफ़ा दोबारा स्पैचुला से हला लूँगी ताकि थोड़ा सा ये अच्छा टेक्सचर हो जाए। अब मैंने एक और स्ट्रॉबेरी ले ली, इसको ड्राई किया, इसको रोल किया चॉकलेट में, और मैं जो कि वाइट है, वाइट के ऊपर कोकोनट लगा बहुत अच्छा लगता है, वाइट कलर जिसमें भी हो, कपड़ों में हो, आपके फर्नीचर में हो, काउच में हो, हर जगह अपनी पहचान जो है उसकी लाजवाब होती है। ये जी कोकोनट लगा वाइट के ऊपर, ये देखें जी कोन मेल्ट हो रही है, ये चॉकलेट चिप जो है सारी मेल्ट हो रही है। ये देखिए बिल्कुल मेल्ट हो गई है। इसको मैंने ऐसे टच करते प्रेस करते वक्त ऐसे मैंने करना है ताकि कोई अंदर दाना ना रह जाए, क्योंकि अगर दाना अंदर रह जाएगा तो वो स्ट्रक कर जाएगा आपके आगे नोजल के, और सीजर जो है ख़राब हो जाएगा। ये मेरी वाइट चॉकलेट तैयार हो गई, इसको मैं इधर रख रही हूँ बॉल में। ये दूसरी चॉकलेट है स्माइल स्वीट डार्क चॉकलेट, ये भी तैयार हो गया, इसमें कोई चॉकलेट चिप नहीं है। देखिए बेहतरीन कोन तैयार हो गई। अभी मैं आपके सामने काटूंगी कि कितना किस साइज़ में आप इसका होल काटना है। ये जी मेरे पास कैंची है, मैं कैंची ले रही हूँ, और इसकी जो है ना थोड़ी सी चोंच काटूंगी, क्योंकि अगर मोटी हो जाए तो स्वीजर खूबसूरत नहीं होता। और मैं इसे निकाल के देख लेती हूँ इसके ऊपर। यस अभी मैं वाइट चॉकलेट की जो है
इसके जो आगे चोंच है बिल्कुल छोटी सी काटूंगी बिस्मिल्लाह, और आपके सामने भी स्विजल करती हूँ। वाइट जो है मैं डार्क चॉकलेट पे करने लगी हूँ, ये आप देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और जो वाइट स्ट्रॉबेरीज हैं उसके ऊपर डाल जाएगा इसमें। ये मैं टॉस भी करके दिखा देती हूँ। स्ट्रॉबेरीज तैयार हो गई हैं, ये आपके सामने हैं। सिर्फ 5 मिनट फ्रीजर में रखने के बाद ये तैयार हो जाती हैं। क्विक एंड इजी रेसिपी और इंतहाई मज़ेदार। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है जिसको आज ही तैयार करें और फिर तस्वीर लेकर इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर करें और मेरे इस रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।